नमस्कार, उत्तराखंड परिक्रमा देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। नैनीताल रोड पर जोली कोर्ट के पास हाल ही में पुलिस ने एक रिजोर्ट में अवैध कसीनो पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली के कुछ युवक युवतियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में होटल के मालिक और जो होटल का संचालन करने वाले लोग थे वो लोग मिसिंग हैं, यानी कि उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस विधायक सुमित हरदेश के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने एसपी सिटी हरबंस सिंह का घेराव करते हुए इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि भाजपा के जिस बड़े नेता का नाम इस प्रकरण के पीछे आ रहा है उसका नाम उजागर किया जाए। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस के ऊपर राजनीतिक दबाव है जिसके चलते सफेदपोश लोग अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। ये रिजोर्ट किसका है पूरा शहर जानता है और अगर कोई नहीं जानता तो वो है पुलिस। कांग्रेस विधायक ने कहा कि इसके पीछे कौन लोग हैं, किनकी साइलेंट पार्टनरशिप इसके पीछे है और कौन लोग रिजोर्ट चला रहे हैं, वह सब नाम सामने आने चाहिए। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्षतापूर्व जांच हो, नहीं तो कांग्रेस पार्टी हर सप्ताह में इस मामले को लेकर कार्यक्रम करेगी, साथ ही पुलिस अधिकारियों का भी घेराव करेगी। वहीं एसएसपी सिटी हरबंस सिंह ने कहा कि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, मामले को हर पहलू से देखा जा रहा है और जो भी जांच में तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी एसएसपी साहब ने 21 लड़के और 12 बाल लड़कियों को पकड़ा था जो कि एक सराहनीय कार्य है, उसके लिए हम सभी लोग एसएसपी का धन्यवाद करते हैं। लेकिन जहां पर ये कृत्य किया गया था और जहां पर कैसीनो चलाया जा रहा था उसके आरोपियों को अभी तक पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी छोटी बहन अंकिता भंडारी के हत्यारे को अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है और क्या कहते हैं वैसे ही जैसे उसका आरोपी कोई वीआईपी है, मेरे को लग रहा है कि इसका भी कोई वीआईपी होगा। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है क्योंकि सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं उनका दबाव कहीं ना कहीं सत्ता का दबाव है कि इन लोगों को बचाया जाए। हमारी उनसे मांग है निष्पक्ष जांच इसमें हो, साफ प्रमाण साक्ष्य जो है सबको विदित है, पूरे शहर को पता है कौन संचालन करता है, कौन उनके पार्टनर है, कौन साइलेंट पार्टनर है। कांग्रेस विधायक माननीय सुमित हरदेश के अध्यक्षता में कांग्रेस के लोग आए थे यहाँ पर, उनके द्वारा एक ज्ञापन मुझे दिया गया है और जो ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया है ये इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ, जहां मानसून खत्म होने के बाद से ही चारधाम यात्रा ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली। बड़कोट सीओ सुरेंद्र भंडारी और एसएचओ संतोष कुंवर ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस जवानों की संख्या बढ़ाई है, साथ ही स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील भी की। ओडीएफ प्लस में सराहनीय कार्य करने के लिए जनपद हरिद्वार को स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सबसे अधिक श्रमदान करने पर प्रथम पुरस्कार मिला। जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरियाल और मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने इस उपलब्धि पर सभी विभागीय कर्मियों, अधिकारियों और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जल्द ही उत्तराखंड का दौरा होने वाला है और ये दौरा बेहद खास होगा क्योंकि पीएम मोदी इस दौरे के दौरान लोहाघाट के मायावती आश्रम के उस कमरे में जाएंगे जहां कभी स्वामी विवेकानंद 1901 में ठहरे थे। 122 साल बाद ऐसा होगा जब देश का कोई दूसरा व्यक्ति इस कमरे में रात में विश्राम करेगा। आयुष्मान भव अभियान के तहत गांधी जयंती के मौके पर प्रदेश भर के ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों में आयुष्मान सभाओं का आयोजन किया गया। इस मौके पर आम लोगों को विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उन्हें आयुष्मान कार्ड व आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी के आभा आईडी वितरित की गई। रामपुर तिराहा कांड की 29वीं बरसी पर कचहरी स्थित शहीद स्मारक में शहीदों का श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से ब्लड कैंप भी लगाया गया। राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा और विधायक खजान दास मौजूद रहे। देहरादून पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली। देहरादून पुलिस ने फ्लैट बेचने की डील कर ग्राहकों और बैंकों के करोड़ों रुपए हड़प कर फरार हाउस कंपनी के 4 आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के खिलाफ दून में अलग अलग थानों में धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हैं। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR में दोपहर करीब 3 बजे के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल बताया जा रहा है, वहीं इसकी तीव्रता 4.6 बताई जा रही है। हालांकि अभी तक कोई जान माल की हानि की खबर नहीं है। जागेश्वर धाम में तीर्थ पुरोहित सेवा समिति के तत्वाधान में ब्रह्मकुंड के आसपास बृहद स्तर पर दूसरी बार स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 50 साल से भी अधिक की लंबी झाड़ियां काटकर पुराने रास्ते को साफ किया गया।
उत्तरकाशी नगर पालिका बड़कोट को आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए निगम जल्द गो सदन खोलने वाला है। इसके तहत 5 अक्टूबर को नगर के सभी आवारा पशुओं को पालिका गो सदन ले जाएगी। इस गो सदन में 50 से 100 पशु रखने की क्षमता होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों पर आयुष्मान भव अभियान के तहत प्रदेश के 6 आकांक्षी ब्लॉकों में विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से मातृ एवं शिशु कल्याण संबंधी सूचकांकों में सुधार को लेकर महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। भारतीय किसान संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष कुशपाल सिंह की अगुवाई में संघ के कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए बिजली घर पर धरना प्रदर्शन किया। SDO और JEE दोनों के खिलाफ मुकदमा क्या होना चाहिए और हमारी लाइन चालू होनी चाहिए। इन्हें हमारा धरना अनिश्चित आगे चालू रहेगा। हमारी लाइन चालू हो, अभी हम बच्चे धरने पट्टे तहसील दिवस IGM साहब के पास जा रहे, अपनी बात वहाँ रखेंगे। रुड़की में सड़कों पर बिना पार्किंग के खड़ी कारों को लेकर कोतवाली सिविल लाइन पुलिस ने नगर में अभियान चलाया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज मेनवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियान के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान किए, साथ ही नियमों को लेकर जागरूक भी किया। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए आयुष्मान भव सेवा पखवाड़े का समापन हो गया। इस पखवाड़े के अंतर्गत एम्स ऋषिकेश और सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। देहरादून के मोहित विहार में एक महिला से चाकू की नोक पर लूट का मामला सामने आया। बदमाश महिला से लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। वहीं SSP ने 2 दिन के अंदर घटना का खुलासा करने के आदेश दिए। तो आज के लिए उत्तराखंड परिक्रमा में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।